आज पूरे बिहार की जनता और पूरे बिहार के आवाम ने आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को स्वागत करने के लिए यहाँ भीड़ जुटी है और आज स्वागत के लिए पूरे बिहार से लोग आए हैं। और आज तो एयरपोर्ट पे चूँकि यात्री को भी परेशानी नहीं हो इसको लेकर के प्रशासन ने भी हम लोग से आग्रह किया कि नहीं, एयरपोर्ट पे बहुत गैदरिंग हो जाता है जिसके कारण पूरे बिहार की जो जनता है या पूरे बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता हैं सब लोग एयरपोर्ट के बाहर आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को सम्मानित करने के लिए, स्वागत करने के लिए खड़े हैं। और पूरे बिहार से लोग आए हैं और पटना में, पटना से लेकर के हाजीपुर तक पूरे होर्डिंग पोस्टर से देखिए रहे हैं कि पाठ दिया गया है। पूरे बिहार में, पूरे बिहार से जो लोग आए हैं पटना में, कोई ऐसा कोना नहीं है कि होर्डिंग पोस्टर नहीं लगा। लोग स्वेच्छा से अपने होर्डिंग पोस्टर को पूरा लगाए हैं। हाथी घोड़ा ऊँट गाजे बाजे सब चीज़ का व्यवस्था है और सभी लोजपा के सारा विंग, दलित सेना हम लोग का है, छात्र है, महिला है, युवा है, सब लोग लगा हुआ है और सबको काफ़ी खुशी है और सब लोग उत्साहित है। और ये जो स्वागत होगा वो बहुत ऐतिहासिक होगा जो कि देखने को आप लोग। आपका तैयारी जो है बहुत भव्य है स्वागत का, जो है दूर दूर से पूरे बिहार से कार्यकर्ता आए हुए हैं अपने गाजे बाजे से लेकर के तमाम गाड़ियां लेकर के, होर्डिंग बोर्डिंग पोस्टर जो है पूरे पटना में पटा हुआ है यहां से लेकर गाजीपुर तक जो है। और हृदय से जो है सारे कार्यकर्ता दूर दूर से जो है रात से ही अपना आने का हुजूम लगाए हुए हैं। पहली बार बिहार, क्या कितना उमंग है और दादा आप क्या कहिएगा? बिहार की नीचे करो मोबाइल भाई, लोगों की बहुत आशा है और उन आशाओं पर माननीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी खड़ा उतरेंगे बिहार की जनता। एक सवाल और है, खाद्य आपूर्ति मंत्री मिला, मंत्रालय मिला है, ऐसे में नवादा है, हाजीपुर है, बेगूसराय, तमाम ऐसे जगह है, क्या वहाँ पर कितना आसार है रोजगार और इंडस्ट्री लगने का? जो भी रोजगार का जिस जिस जिला में जिस चीज का थोड़ा सारा नीचे उत्पादन ज्यादा होता है चीज का वहाँ कल कारखाने लगे। बाहर जाकर देखिए ये एयरपोर्ट है, चारों बगल जाकर देखिए भीड़ है, छोड़ भीड़ है और काफी आसान है आपसे बिहार को। मैं पहली बार आया हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं शुक्रगुजार हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से बधाई देता हूँ और हाजीपुर की जनता से मैं मिलने जा रहा हूँ, मैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहा हूँ और जो भी मुझको जवाबदेही दी गई है मैं पूरी निष्ठा से, पूरे लगन से अपने विभाग में जो भी मेरा काम होगा, अरे यार बोलने तो दो ना, बिहार में, बिहार में पूरी निष्ठा और पूरे लगन से मैं बिहार की जनता का सेवा करूँगा। चलो बिहार में